नमस्कार, मैं किरण मेहता जयलक्ष्मी सिलाई केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्राउजर में मोरी पर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर लगेगा। आप इस वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ट्राउजर में डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत सिंपल और बहुत अच्छा डिज़ाइन है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी ट्राउजर की मोरी है, डिज़ाइन हम इस पर बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारे पास 20 इंच कपड़ा है, ये जब जगह है 20 इंच है। तो हम जो कपड़ा लेंगे इससे 10 इंच बड़ा लेंगे, लगभग 30 इंच का कपड़ा हम लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ये मोड़ने वाली जगह थी, ये देखिए यहाँ पे हमारा मोड़ने वाला हिस्सा था, तो मैंने इस पे देखिए ऐसे करके मोटे बखे की सिलाई मार दी, तो ये बिल्कुल इस तरह आ गया। मोड़ने में हमें आसानी रहेगी। अगर हम कट लगा लेते हैं, जैसे दोनों तरफ हम कट लगा लेते हैं तो बीच में से ऊंचा नीचा हो जाता है। तो हम इसको जो है इस तरह सिलाई मार लें तो बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल सीधा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो बीच में तो यहीं रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे, और साइडों में हल्का सा नीचे उतार देंगे इस तरह करके, इस तरह। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब ट्राउज़र पहनते हैं तो वो बीच में से एड़ी के पास से इस तरह करके खड़ा होने लगता है। तो अगर आप इसको मोड़ते समय जैसे हल्का सा इस तरह मोड़ देंगे, इस तरह इधर को नीचे और इधर को पूरा का पूरा, तो कभी भी ट्राउज़र जो है ऊपर को खींचेगा नहीं। नहीं तो झुकते समय हल्का सा ऊपर उठ जाता है, तो वो समस्या तुम्हारी समय खत्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक कपड़ा लिया, ये देखिए ये मेरे पास एक कपड़ा है, तो लगभग हम 30 इंच का कपड़ा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने पूरा 30 इंच का कपड़ा लिया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह करके 1-1 इंच के निशान लगा देंगे, ये देखिए पूरे कपड़े पे, ऐसे जैसे हमने इधर निशान लगाए हैं ऐसे ही हम इधर भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह निशान लगा लेंगे पूरे कपड़े पे। और लगाने के बाद इन कपड़ों को पकड़ के ऐसे, ये देखिए ये पकड़ा हमने, और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, पिनटेक्स डालेंगे, तो उसे पिनटेक्स बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे किनारे पे सिलाइयाँ डाल रखी हैं। इस तरह करके हम सिलाइयाँ पूरे कपड़े पे निशान लगाएंगे, और इस तरह करके जैसे मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं, इस तरह सिलाइयाँ लगाते चले जाएंगे। जब हमारी ये सारी सिलाई लग जाएगी, लगने के बाद ये हमारे पास एक कपड़ा बचा हुआ है, ये देखिए बॉर्डर का, और ये देखिए इसके साथ बिल्कुल पूरा आ रहा है, तो हम इसकी पाइपिंग लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसके ऊपर रख के यहाँ सिल देंगे, यहाँ सिलेंगे, और सिलने के बाद इस तरह करके एक पाइपिंग निकाल देंगे। ये देखिए ये इस तरह एक पाइपिंग निकल जाएगी, पूरे में इस तरह आ जाएगा। फिर जब ये पाइपिंग निकल जाएगी तो हम इसको इसके उल्टी तरफ रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इधर नीचे छोड़ते हुए और इधर भी नीचे छोड़ते हुए इसको पूरे पिनटेक्स को ऐसे करके इस तरह, जब ये पिनटेक्स डल जाएगी और पाइपिंग डल जाए लग जाएगी, पाइपिंग तो इस साइड होगी, ये जोड़ने के लिए कह रही हूँ कि जब आप जोड़ेंगे तो आप इस तरह जोड़ेंगे, यूँ जोड़ते चले जाएंगे, और जोड़ने के बाद फिर आप इसको इस प्रकार सीधा कर देना। ये देखिए इस तरह ये सीधा हो जाएगा और पाइपिंग आपकी इसके नीचे रहेगी, देखिए इस तरह आ जाएगा ये। ये देखिए इस तरह दिखाई पड़ेगा ऊपर कुछ इस तरह, ये देखिए। फिर आप ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देना। तो ये देखिए जिस तरह मैंने आपको ये लगाना बताया है, और एक मैंने लगभग ये पूरा तैयार कर रखा है, ये देखिए, ये देखिए मैंने इधर नीचे से रखा, ये देखिए मैंने हल्का सा इस तरह करके, देखिए निशान यहाँ दिख रहा है, और मेरी सिलाई ऊपर लगभग 25 पॉइंट या आधा इंच के आसपास ऊपर है, और लगा के नीचे से लगा के हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये मुड़ जाता है तो फिर हम इसकी मोरी की और हिप की शेप देंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उल्टी तरफ से करके, ये देखो ये हमारा इस तरह मोरी की शेप यहाँ पे है, ये देखिए मोरी यहाँ है, लेकिन जब हम मोरी की ये वाली सिलाई लगाएंगे तो हम इसको खड़ी नहीं लगाएंगे, इस तरह सीधी सिलाई ना लगाएं, सीधी सिलाई लगाने से ये जगह खड़ी होने लगती है, तो हल्का सा तिरछापन डाल दें, देखिए। तो जैसे जब ये जिसका बन रहा है तो उनकी मोरी जो थी 17 थी, तो मैंने इसको लगभग 16 पे कर दिया है, और ऊपर ये पूरा 17 ही रहेगा, पहनते समय ये शेप आ जाएगी हल्की सी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह करके इसकी शेप आई है, और ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली है यहाँ पर, और लगाने के बाद अभी मैं सिलूंगी इसको, मैं सिल के एक बार और दिखाऊंगी आपको ये किस तरह बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए कितनी कितनी अच्छी शेप आई है। अब ये आपका पहनने के बाद बीच में से उठेगा नहीं,
और जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी इस प्रकार प्रेस करेंगे आप, ये इस तरह, इस सिलाई को बीच में रखकर इस तरह प्रेस कर देना, और इस ये देखिए इस तरह आ जाएगा, ये देखिए ये इस तरह हल्की सी तिरछेपन में शेप रहेगी तो आपके ट्राउजर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे ट्राउजर की एक टांग तो मैंने कंप्लीट कर दी है, एक मैं अभी करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।